श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो भी है महात्मा बुद्ध की एक कहानी का। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भगवान हैं जो अपने भक्तों को, जो उन्हें सुनने आते थे, उनको बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल देते थे और एग्जाम्पल देकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। तो प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और जाकर के कहता है कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, आप कृपा करके उन समस्या के समाधान के बारे में बताइए। तब बुद्ध ने कहा कि भाई, मैं तेरे को जरूर बताऊंगा, कल तू आ जाना। अगले दिन सुबह हुई, भगवान बुद्ध बैठे थे, अनेक शिष्य बैठे थे और वो व्यक्ति भी आया जिसने प्रश्न किया था कि मेरे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा। तब देखिए, भगवान बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेके आए और एक रस्सी में भगवान बुद्ध ने एक गांठ लगा दी, फिर दूसरी गांठ लगाई है, फिर तीसरी गांठ लगाई है, फिर जितने लोग थे उनसे पूछा कि ये मेरे हाथ में क्या है। सभी ने कहा कि भगवान, ये तो रस्सी है। फिर पूछा, अच्छा क्या ये रस्सी वैसी है जैसी मैं लाया था? बोले कि भगवान, रस्सी तो वो ही है लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है, इसमें अब गांठ पड़ गई है। भगवान बुद्ध बोले, अच्छा अब ये बताओ कि इस रस्सी को मैं पहले की तरह कर दूं, कोई समाधान बताओ। तब सभी ने कहा कि प्रभु, आपने जैसे गांठ लगाई वैसे ही खोल दो। तब बुद्ध ने कहा कि भैया, जैसे मैंने गांठ लगाई वैसे ही खोलनी है या और किसी तरह से? सब ने कहा, प्रभु जैसे लगाई है उसी तरह लगाओगे तो और गांठ लगेगी, उसके विपरीत दिशा से अगर आप खोलोगे तब वो गांठ खुलेगी। तब बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। तब बुद्ध ने विपरीत दिशा से गांठ लगाई और वो रस्सी खुल गई। अब पूछा, ये रस्सी पहले के जैसे हो गई? तब सभी ने कहा कि हाँ। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, देख, तेरे प्रश्न का जवाब भी यही है, हमारा जीवन है और जिसमें समस्या रूपी गांठ लग गई है। अब क्या करना है? समस्या के समाधान तक जाना है और उस समस्या को उल्टा करना है। उल्टा करने का अर्थ है उसका समाधान निकालना है, और जब तुम उसका समाधान निकाल कर उसकी तह में जाओगे तब तुम्हें जरूर समाधान मिलेगा। समस्या को हल करने के लिए उसकी तह में जाना जरूरी है कि वो समस्या आई कैसे है, क्योंकि अगर हमें समस्या के कारण का ही नहीं पता होगा तो निवारण कैसे होगा। सबसे पहले कारण बताइए, सबसे पहले कारण का पता लगाओ भैया, उसके बाद अगर आप निवारण करोगे तो आपको जरूर ही समस्या का समाधान मिल जाएगा, जैसे इस रस्सी के साथ हुआ है। जैसे बुद्ध ने उदाहरण के द्वारा उस व्यक्ति को बताया तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मेरे जीवन में जितनी समस्या है, मैं समस्या का समाधान तो ढूंढना चाह रहा हूँ लेकिन उनकी तह तक नहीं जा रहा, उनका कारण नहीं जान पा रहा कि किस कारण से समस्या आई है। अब मैं उनके कारण को पता लगाऊंगा और उनका कारण दूर करूंगा जिससे मेरी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ संदेश देते थे और उदाहरण के द्वारा बड़े अच्छे से उन्हें बताते थे। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आप तक लाया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जय श्री राधे।